शार्क्स, क्या आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हैं? वो क्लासेस को बंक मारना, वो कैंटीन में रगड़ा समोसे खाना और रंग बिरंगी चुस्कियां खाना, वो स्कूल लाइफ भी क्या लाइफ थी। लेकिन वो आइस पेप्सी या चुस्की कहीं मिलती कहाँ है आजकल? रवि, अगर मिल भी जाएगी तो क्या उसे खा पाएंगे, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक कलर से बनती है। ओ, इसीलिए हजारों बच्चे हर साल खराब क्वालिटी की चुस्की खाकर बीमार पड़ते हैं। तो क्या हमारी वो बचपन की मजेदार यादें वापस ताजा नहीं हो सकती? हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग टू यू इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड स्किपी आइस पॉप। हेलो एवरीवन, आई एम रवि काबरा द को-फाउंडर एंड आई एम अनुजा काबरा द को-फाउंडर ऑफ स्किपी आइस पॉप्स और हम आए हैं हैदराबाद से। स्किपी आइस पॉप्स बनता है 100% नेचुरल कलर, नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड नेचुरल स्वीटनर से। शार्क्स, इंडिया में फ्रोजन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने की बड़ी परेशानी है, इसीलिए हमने पूरे सप्लाई चेन से रेफ्रिजरेशन को ही हटा दिया है। स्किपी आइस पॉप्स बनती है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में, और इसे सप्लाई भी करते हैं हम हमारे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर से। कस्टमर्स इसे खरीद के घर ले जाते हैं, उसे फ्रीज करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। सो वी हैव गॉट 6 फ्लेवर्स। आई तो लेमन वन, लेमन वेरी नाइस पैकेजिंग, थैंक यू। हर बार ही बाहर जाते बच्चे यही खाते रहते हैं, वो बच जाती है एंड में तो मेरे को ही खानी पड़ती है। I'll have raspberry. Raspberry. Very, very nice. It's a nice flavor. सच में बचपन याद आ गया है। Yeah, that was the aim. Yeah. Yummy. Lovely. Great, great. Yum. Thank you. It's very nice. Absolutely yum. ये product मेरे को बहुत अच्छा लगता है, because मैं जब अपने बच्चों के साथ travel करता हूँ इंडिया से बाहर, ये वहाँ पे काफी चलता है। आपका टारगेट सेगमेंट बच्चे ही हैं? मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे हमारे टारगेट मार्केट है, लेकिन हमारा फर्स्ट कस्टमर इज 25 प्लस इयर्स ऑफ एज। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो स्कूल में से खा चुके हैं, एंड जब वो इससे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो जाके अपने बच्चों को फैमिली में से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक बार बच्चों के हाथ में आ गया तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, रिपीट ऑर्डर्स है ही है। Ravi, Anuja, firstly, of course, I love the branding. Skippy, the name, the branding is amazing. Thanks and a lot. Pricing, 20 rupees for this is really good. Mera problem, aap, since aap health ka bol chuke angle, to isme water ke baad dusra ingredient hai sugar. Very bluntly, if I put it, this is sugar water. ये एक fun product है. पहली बार तो हमें से health product बोल के बेचते ही नहीं है। I agree with you, अगर आप sugar water बोलते हो, लेकिन हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो फन और एक्साइटमेंट बच्चों में और बड़ों में लाता है, इट कनेक्ट्स यू बैक टू द ओल्ड मेमोरीज, और जो कलर और फ्लेवर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो एक्चुअल फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई बोले हेल्दी नहीं है ना, आप बोलते करो हेल्दी नहीं है। जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, या उससे ज्यादा हेल्थ अनकॉन्शियस लोग हैं, वो खुश होते हैं। आपने सेल्स कितनी की है वो बताए। नहीं, सेल पे मत जाओ पहले, बाकी चीजें तो पता नहीं। अरे रुको ना, सेल्स कितने की है? आप उनको मना नहीं कर सकते, सेल बता। पिछले 6 महीने में करीबन 40 लाख का सेल कर चुके हैं। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने 7.5 लाख रुपए का सेल किया है। और प्रायर इन्वेस्टर है कोई आपके पास? नहीं, इट इज ऑल बूटस्ट्रैप, हमने खुद की फंडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगाया है। हमने करीबन 55 लाख रुपए डाले हैं इसमें तक। रवि, अनुजा, आई लव द प्रोडक्ट। श्योर, यू जैमिंग। I want to understand, what is your long-term vision for your brand and company? मैं पहले इसे 3-4 साल में इसे नेशनल ब्रांड बनाऊंगा और फिर इसे इंटरनेशनल ले जाऊंगा। मुझे पता है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इस ब्रांड की क्या वैल्यू है। और अनुजा, you want to say about your IPL thing? Indian cricket team should carry Skippy on their t-shirts. Wow, you want to make it that big? That yes. big. ऐसा क्यों? Patriotism भी है और definitely cricket youngsters भी देखते हैं काफी, which is our target market again. One more question. आप अगर इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, बहुत सी ब्रांड्स आ जाएंगी, आपसे आधे प्राइस में बेचेंगी। यू विल नीड टू हैव अ कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। जो सॉफ्ट आइस आपको लग रहा है, ये हर टेक्नोलॉजी से होता नहीं है। सो वी हैव पेटेंटेड दैट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट यू आर एंजॉयिंग राइट नाउ। आपका ये जो 20 रुपए का बेचते हैं, वो बनाने में कितना लगता है? अगर मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट यानी प्राइमरी पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग, कार्टन भी जोड़ लेता हूँ, तो 5 रुपए में पॉप्सिकल बनता है। Wow. और होलसेलर को कितने में बेचते हैं? 13 रुपीज में मिलता है। फिर भी ठीक मार्जिन।
मौसम बदलता है हर 4 महीने, हमारे बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं हर 2 महीने, हमारा मूड खैर वो बदलता है हर घंटे। जब सब कुछ बदलना इतना इजी है तो बालों का कलर बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों? Hi Sharks, I'm Yoshika. और मैं हूँ सिद्धार्थ। हम Paradise के फाउंडर्स हैं और अहमदाबाद से आए हैं। हम लाए हैं आपके बालों के लिए एक कलरफुल एंड इंस्टेंट ट्विस्ट विद Paradise। एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। हमारे पास आज 20 से भी ज्यादा कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स आपके बालों के लिए बहुत ही सेफ हैं और सिर्फ 8-10 वॉशेस तक लास्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। स्टनिंग हेयर, ऑल ऑफ यू स्टनिंग। आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट birdsofparadise.com से। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसी Amazon, Flipkart, Purple पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन हम हेल्थ एंड ग्लो के 35+ स्टोर्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया में भी प्लेस्ड है एंड 60,000 भी ज्यादा हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बन चुकी है। एक्सलेंट। हमारा मेन विजन है कि हम हेयर कलरिंग के रिलेटेड जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, हेयर कलरिंग को मेकअप की तरह नॉर्मलाइज करके लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं। So we would like to give you a brief description कि किसने क्या लगाया है और क्या स्टाइलिंग है। First off we have Sia, but इन्होंने तो ब्लीच किया होगा ना लगाने से पहले? ब्लीच किया है, but वो ब्राउन तक, you know, like that is just 15-20 minutes of bleach, which is not really damaging. ऐसा कोई है जिन्होंने ब्लीच किए बिना लगाया? काले बालों पे कलर्स नहीं दिखते। नहीं दिखते। Then we have Shubham. Hi Sharks. Lovely. आप सच में हेड हंटिंग को नया मीनिंग दे रहे हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ ने भी कलर किया है। ही इज माय को-फाउंडर एंड हस्बैंड। वाओ। आई कांट टेल। या बिकॉज़ इट्स अ वेरी डीप शेड ऑफ नेवी। इनमें से कोई भी नहीं मानेगा, मेरे कॉलेज में ना रेड स्ट्रीक्स थे बालों में। व्हाट? इम्पॉसिबल। वो कोई केमिकल लैब में एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं कनाडा में पढ़ता था, इंडिया आया था, हेयर कट कराने गया था, वो मेरा स्टाइलिस्ट रेड कलर की स्ट्रीक कर दिए। अब मैं चला गया कनाडा वापस, वो 3 महीने वो जो फेडिंग हुई ना उसकी, रेड, लाइट रेड, फिर ऑरेंज हो गए। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लोग लाल बाल बुलाते थे। एंड माय हेयर यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग। 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया, हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया। देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए। आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? Definitely. नहीं, डेफिनेटली। इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ। आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं। वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे। मेरे ऑफिस में रेनबो बाल, मतलब जो 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं, और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ। कैन आई सी योर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स? यार आपकी पैकेजिंग बहुत कूल है ब्रोस की। वेरी नाइस। बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड गुड प्राइसिंग। या 1190 फॉर द कॉम्बो। यस। द टीजीवी वी अंडरस्टैंड, यू नो दे आर ऑलवेज ऑन अ बजट, वो कॉलेज गोइंग क्राउड है, तो वी डोंट वांट टू प्राइस आवर प्रोडक्ट्स एट प्रीमियम। अगर आज एज अ कंज्यूमर मुझे हेयर कलर करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट साइज है, वो आप मुझे समझा दो। तो परमानेंट कलर इज द मोस्ट कॉमन, सबसे बड़ा मार्केट उसी का है। परमानेंट कलर्स में है गोदरेज, लॉरियल, स्ट्रीक्स। वो कितना बड़ा मार्केट है? 7.5-8 हज़ार करोड़ का मार्केट है ये वाला, जो परमानेंट कलर सिर्फ हेयर कलरिंग का पूरा मार्केट। सेकंड कैटेगरी सेमी परमानेंट हेयर कलर है इंडिया में, जिसका मार्केट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और इसमें सबसे बड़े प्लेयर आप ही हैं इंडिया में? नहीं, स्ट्रीक्स है, बट स्ट्रीक्स है 6 कलर्स, वी हैव 20+। उनका क्या साइज है और आपका क्या साइज है? सेल्स बताइए।
पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में हमने 3.5 CR के सेल्स करे थे FY20 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में, और इस साल हमारे फर्स्ट टू क्वार्टर्स में 2.5 CR का। और आपका जो कंपटीशन है स्ट्रीक्स, उसका स्ट्रीक्स कंपनी ओवरऑल 400-500 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें ये उनका 50-60 करोड़ का बिजनेस। गॉट इट। लेकिन फिर एक बात बताइए, अगर आपका ARR मैंने एस्टिमेट 5 करोड़ पकड़ा, तो 5 times मल्टीपल ले लेके 25 करोड़ का वैल्यूएशन बनता है, 65 crores का लॉजिक क्या है? अभी तक हम लोगों ने हमारे डिजाइनिंग पे, हमारे मार्केटिंग, हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट पे इतना फोकस कराया है, रेवेन्यू बेस्ड हम लोगों ने स्केलिंग पे फोकस नहीं किया था लास्ट ईयर। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा खुद का है, ठीक है, तो हमारे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते थे, जो हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते थे, वो सारे हम लोगों ने रिजॉल्व करे। पिछले 2 महीने से हम लोग ऑन द ट्रैक ऑफ स्केलिंग है। तो अगर आप हमारे 3 महीने के रेवेन्यूज देखेंगे, लास्ट टू लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू 35 लाख था, लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू वॉज 40, और पिछले महीने हम लोगों ने 51 लाख पे क्लोज किया है। आपका कैसे रोल डिवाइडेड है? मैं देखती हूँ डिजाइन, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, तो पूरा क्रिएटिव साइड मेरे अंडर आता है। फाइनेंस साइड और ऑपरेशंस और ये सब मैं देखता हूँ। तो आप देखते हैं, तो आप समझा पाएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स। तो 1100 रुपीज का हमारा एवरेज ऑर्डर आज की डेट में है, उसमें से 160 फॉर द पैकेजिंग, 40 रुपीज अराउंड हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है बस। हाँ जी। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज, तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है वो अराउंड 70-75% बनता है। अभी आपके पास 800 रुपये बच गए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अराउंड 200-250 रहता है। ओके। और हमारी सैलरीज अराउंड 330 रुपये रहती है। हमारे जो नेट प्रॉफिट है पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स का भी, इट इज अराउंड 19%। तो आपने 2.5 करोड़ में से 50 लाख का प्रॉफिट बुक किया। 50 लाख का प्रॉफिट आपने बुक किया।